दोस्तों ये है ब्लूटूथ स्पीकर और आज के इस वीडियो में इसी स्पीकर को रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो पिन है वो यहाँ से उखड़ गई है, मतलब इसकी जो चार्जिंग पिन है वो ख़राब हो चुकी है। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों इस तरह की ये लबड़ है, अगर हम पूरी करेंगे तो ये बेकार हो जाएगी, इसलिए इस तरह से आप दबा दबा के पेचकस को आसानी से पहचानें कि इसके जो पैंच हैं वो किस जगह पर लगे हुए हैं। ये देखिए जहाँ पर ये पैंच अंदर जाए तो वहीं पर ये पैंच लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पैंच है केवल वहीं जगह हमने निकाल ली है इस तरह से। तो इसमें यहाँ पर केवल दो ही पैंच हैं, लेकिन किसी किसी में तीन होते हैं, चार होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर केवल दो ही पैंच हैं। तो दोनों को ओपन करके इस तरह से हमने इसको डिब्बी को बाहर निकाला है। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो चार्जिंग पिन है वो बिल्कुल अलग ही हो गई इससे। तो यहाँ पर दोस्तों इसके जो प्रिंट है कुछ प्रिंट भी उखड़े हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे बहुत सरल तरीके से। और यदि दोस्तों यदि आपको प्रिंट मिले भी नहीं तो उसको भी जम्पर लगाने का उपाय यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी देखेंगे। और इस तरह से हमारे पास ये ब्लेड है जिसके कारण से हम इसका जो कार्बन है ऊपर का वो हटा देंगे। तो यहाँ पर हमको अभी जम्पर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके जो प्रिंट हैं वो वहीं पर सामने दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो उसका जो कार्बन है पीला पीला जो उसकी परत प्लास्टिक की रहती है इसको हटा देंगे। हटाते समय दोस्तों सावधानी रखना है क्योंकि इसकी जो नीचे की परत है वो बहुत ही पतली रहती है कॉपर की, यदि हम थोड़ी तेज करेंगे तो वो टूट सकती है या कट भी सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से हमने इसको साफ कर लिया है, अब देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया और इसके जो वायर हैं वो स्पष्ट दिखने लगे हैं। अब हम यहाँ पर देखिए ये देख सकते हैं कि इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं तो हम इसी को यहीं पर लगा देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में कभी कभी ये भी हो जाता है जो चार्जिंग पिन है वो ख़राब हो जाती है। अगर चार्जिंग जैक ख़राब हो जाए तो उस स्थिति में हमको दूसरा चार्जिंग जैक लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो चार्जिंग पिन है ये भी ओके है और केवल ये उखड़ा हुआ है और जो उसकी प्रिंट है वो भी ठीक है क्योंकि इसकी जो पत्ती है वो काफ़ी दूर से इसकी सप्लाई गई है, इस वजह से वो भी ओके है। तो इसको रिपेयर करना और सोल्डिंग करना बहुत ही सरल रहेगा और इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं आएगा क्योंकि इसके जो जैक है वो ओके है। तो बस केवल वही है कि इसकी जो सोल्डिंग है वो सोल्डिंग बहुत सावधानी से करना है। तो दोस्तों इसकी जो सोल्डिंग है करते समय थोड़ी सावधानी रखना है, देखिए क्योंकि इसकी जो सोल्डिंग है वो बहुत ही बारीकी से सोल्डिंग करनी होती है। अगर आपके पास दोस्तों सोल्डिंग आयरन है और उसकी अगर बिट जो है वो मोटी है तो आप उसको घिस लीजिए और बिट को पतला कर लीजिए। पतला करने के बाद फिर आप सोल्डिंग करेंगे तो बिल्कुल सटीक और अच्छे से सफाई के साथ में सोल्डिंग अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि मोटी बिट के साथ में ये सही से नहीं आएगी और डबल सोल्डिंग कर देगी, वो ख़राब भी हो सकता है। तो आप बिट को पतली कर लीजिए और उसके बाद ये कम्प्लीट हो गया, बढ़िया सब कर लेते हैं। और ये देखिए ये हमारा जो जैक है वो लग कर तैयार हो गया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए चार्जिंग पिन से, ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो जैक है वो ओके हो गया है। अब दोस्तों इसका जो जैक है वो हालांकि प्लास्टिक इसका उखड़ गया था तो इसको हम फेविक्विक से चिपका देंगे अच्छे से ताकि ये फिर दोबारा से अपनी जगह से ना हिले डुले और ना ही उखड़े। अब दोस्तों लगाते समय थोड़ी सावधानी रखना है कि जो पार्ट्स जैसे थे उसको वैसे ही लगाना है, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत भी इधर हुआ हुआ तो उसकी जो बटन है वो काम नहीं करेंगी, इसलिए इसको बिल्कुल फिट तरीके से इसको सेट करना होगा। ठीक उसी प्रकार से इसको ढक्कन को भी लगाना होगा ताकि बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पर सही आए, और उसके बाद दोनों पैंचों को बढ़िया टाइट कर देंगे। तो हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो कंप्लीट हो गया है, इसकी जो पिन है वो कंप्लीट हो गई है। देखिए कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं चार्जिंग पिन जो हमारी है वो इसकी जो रेड कलर की लाइट है वो भी जलने लगी है। तो इसका मतलब हमारा जो चार्जिंग पोर्ट था जो जैक था वो कंप्लीट अच्छे से वर्क कर रहा है। ये देखिए दोस्तों ऑन ऑफ भी हो रहा है, बढ़िया से ये कम्प्लीट हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।